आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 दिन का डाइट प्लान, यानी कि नवरात्रे डाइट प्लान। अगर आप वैसे भी किसी व्रत में करना चाहते हैं तो उसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये डाइट प्लान सिर्फ नवरात्रों के लिए नहीं है, आप किसी भी फास्ट में कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल डाइट प्लान है, और ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आपको बहुत भारी काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, ये डाइट प्लान एक ऐसा डाइट प्लान है जिससे आपकी बॉडी को पोषक तत्व ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, आपकी बॉडी को कमजोरी महसूस नहीं होगी। और जिस चीज के लिए मेन आप फास्ट रखते हैं, आपके मन में यही रहता है कि वेट लॉस ज्यादा से ज्यादा हो, तो वो चीज हमने मेन इसमें याद रख के बनाया है ये डाइट प्लान कि आपका वेट लॉस ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन आपको थकान कमजोरी ऐसा कुछ महसूस ना हो। जैसे किसी का बीपी लो हो जाता है या किसी को चक्कर आने लगते हैं, थकान महसूस होती है, आलस आता रहता है, तो इस डाइट प्लान से ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा और वेट लॉस आपका ज्यादा से ज्यादा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हैसिटी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो लाइक करना मत भूलें। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि डाइट प्लान आपको रिटर्न में मिल जाए तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे ये डाइट प्लान आपको रिटर्न में मिल जाएंगे। देखिए, नवरात्रि जैसे ही आते हैं हम लोग क्या करते हैं कि फास्ट रखते हैं, हम चाहते हैं कि चलो इसी बहाने हमारा वेट लॉस भी हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा मोटे लोग हैं। लेकिन वेट लॉस नहीं होता, उल्टा गेन हो जाता है। गड़बड़ कहाँ पे होती है? ये गड़बड़ नहीं होती कि हम कम खाते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ चाय पे दूध पे ही रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम खाना ही छोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं खाएंगे तब तो वेट लॉस होगा ही, लेकिन तब भी वेट लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये होता है कि जब हम बहुत कम खाना खाते हैं, जैसे दूध पे रह जाते हैं, कोई चाय पे ही रह जाते हैं, कोई पानी पी के ही रह जाते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं सिर्फ एक टाइम थोड़ा बहुत खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, तो उससे होता क्या, बहुत कम खाने से कि एक दो दिन तो हमें फील होगा कि 1-2 केजी कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद वेट कम नहीं होता है बल्कि और बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत कम खाने की वजह से स्लो हो जाता है, और स्लो होने की वजह से हमारी बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है। यानी कम खाना मिल रहा है तो बॉडी देखेगी कि कम खाने में मुझे बैलेंस करना है, अपने आप को मैनेज करना है, आपको यहाँ पे मेंटेन रखना है, क्योंकि बॉडी कभी नहीं चाहती कि मुझे कोई कष्ट हो या मुझे ऐसी नौबत आए कि मेरे अंदर कोई कमजोरी हो, कोई बीमारी हो। बॉडी अपने आप को मतलब ये चाहती है कि मैं हमेशा स्ट्रोंग रहूं और बीमारियों से दूर रहूं, मैं कभी ना मरूं, मतलब बॉडी इस तरीके से बनाई गई है। तो बॉडी क्या करेगी वहां पे, बॉडी अपना जो वेट लॉस है उसको स्टक कर देगी। 2-3 दिन के बाद आपका वेट कम होना बंद हो जाएगा, यानी जो वेट है आपका स्टक हो जाएगा, और बॉडी क्या करेगी वहीं पे अपने आपको मेंटेन करना शुरू कर देगी। लेकिन आपको क्या फील होगा, आपको ये फील होगा कि कमजोरी आपको रहने लग जाएगी, रंग पीला पड़ जाएगा, चिड़चिड़ा मन हो जाएगा, आलस आपको आने लगेगा, अंदर से कमजोरी महसूस होने लगेगी, और हो सकता है आपका बीपी लो रहने लग जाए, आपका जो ब्लड शुगर है वो लो लेवल पे चला जाए, ये सब सिम्टम्स आपको आने लगेंगे, लेकिन वेट कम नहीं होगा। इसीलिए आपको बताने वाली हूँ कि अच्छा जो फास्ट है वो किस तरीके से आपको रखना चाहिए, कैसे आपको दिन में खाना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे आप फास्ट कर सकते हैं जिससे आप सही चीज़ें खाएं, अच्छा वेट लॉस कर पाएं, आपको पूरे बेनिफिट्स मिल सके, कमजोरी थकान बीमारियां ये सब आप दूर रहें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप पूजा पाठ करके ख़त्म करते हैं, सबसे पहले पानी तो आपको पीना ही है, जो शुरू में आप उठते हैं तो पानी तो 1 गिलास आपको पीना है। उसके बाद जैसे पूजा पाठ करके हम नहा धो के तैयार होते हैं तो जो पहला मील रहेगा वो रहेगी हमारे पपाया की स्मूदी, यानी पपीते की स्मूदी। कैसे बनाना है, आपको थोड़ा सा पपीता कट करके उसमें थोड़ा सा आपको दूध डालना है, बिल्कुल थोड़ा ही, आधे कप से भी कम, थोड़ा दूध डालना है, थोड़ा पानी मिलाना है, और उसके साथ ही या तो आप एक डेट डाल सकते हैं, यानी खजूर आपको डालना है, या फिर डेट नहीं डालना चाहते तो थोड़ा सा जैगरी पाउडर डालें, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद उसमें 3-4 काजू डालनी है, 1-2 बादाम डालना है, और 4-5 किशमिश डालना है गार्निशिंग के लिए, और वो पपाया की स्मूदी आपको अच्छे से 1 गिलास भर के, बड़ा ग्लास भर के आपको पीना है। इससे क्या होगा कि सुबह से आप पूजा पाठ में लगे हैं, और जैसे मन को आप कह भी रहे हैं कि आज मुझे फास्ट रखना है, तो और ज़्यादा भूख लगने लगती है। ये होता है जब हम फास्ट रखते हैं ना, तो हम ये कहते हैं अपने आपको आज फास्ट है, तो और ज़्यादा भूख लगती है, तो वो भूख भी आपकी शांत होगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और दूसरी चीज़ है, आप डिहाइड्रेट नहीं होगे, बार बार आपको पानी की प्यास नहीं लगेगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी, और जैसे आपने पपाया की स्मूदी ली है तो उससे वेट गेन भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप शुरू में लेंगे। इसके बाद 2-2.5 घंटे बाद फिर से आपको लगेगा कि कुछ मुझे पीना चाहिए, तो जिनको टी पसंद है वो टी पीजिए, जिनको ग्रीन टी पसंद है वो ग्रीन टी ले सकते हैं, अगर कोकोनट वाटर आपके आसपास मिल जाए कोकोनट वाटर ले सकते हैं,
अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो लस्सी आप घर में बना सकते हैं, दही जो होती है उसको ब्लेंड कर लीजिए, उसमें पानी मिला लीजिए, लस्सी आप पी सकते हैं। अगर लस्सी आपको सिंपल पीना पसंद नहीं है तो एक काम करिए, एक केला आपको लेना है, केले में आपको अच्छी 4-7-8 चम्मच आपको डालनी है दही की, उसको ब्लेंड करना है मिक्सी में डाल के, ब्लेंड करके आपको स्मूदी बनानी है केले की और लस्सी की। ये स्मूदी आपने बना ली, उसमें एक खजूर भी डाल सकते हैं मीठा करने के लिए, अगर मीठा आपको ज़्यादा पसंद नहीं तो मत डालिए। अब ये स्मूदी आप ले सकते हैं, उससे पेट भी भर जाएगा, अच्छा भी लगेगा और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आपका वेट गेन दे देगा, तो ये आप ले सकते हैं। अब दोपहर में क्या करना है, दोपहर में फिर से अब 2-2.5 घंटे बाद आपको भूख लग जाए, क्योंकि गर्मियां हैं, भूख तो लगती है और पानी पी के भी आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, लेकिन पानी की मात्रा आपको प्रॉपर रखनी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहना है। तो दोपहर में आपको लेना है एक बाउल भर के, आप जो भी आपके घर में फ्रूट्स हैं, जो भी फ्रूट्स आपने रखे हुए हैं, आप फ्रूट्स खाएंगे एक बाउल भर के लंच के टाइम में, तो ये फ्रूट्स आपने खा लिए दोपहर के समय में, उससे भी काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा और डिहाइड्रेट आप बिल्कुल नहीं होंगे, थकान कमजोरी बिल्कुल नहीं होगी। अब शाम की बात करते हैं, जैसे 3, 3:30 या 4 बजे की बात करते हैं, तो जिनको टी पसंद है तो चाय ले सकते हैं, एक बार सुबह आपकी चाय होगी, एक बार शाम को, 2 ही बार आप चाय पियेंगे, जिनको चाय की आदत है इससे ज़्यादा नहीं पियेंगे। लेकिन ग्रीन टी जिनको पसंद है ग्रीन टी ले सकते हैं, इनमें से कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई शाम की उसमें। और अब बात करेंगे कि जैसे 5 बज जाते हैं, शाम को आपको क्या खाना है। देखिए, एक तो जो आपका डिनर रहेगा, क्योंकि एक टाइम इसमें मैं नमक का खाना आपको बताऊंगी, ज़्यादा नमक के लिए नहीं बताऊँ, क्योंकि फास्ट फिर क्या हुआ अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप नमक खाएंगे, तो एक ही टाइम हम नमक रखेंगे। तो वो जो रात का डिनर आप लेंगे 5, 5:30, 6 बजे तक आपको ले लेना है। उसमें बनाना क्या है, देखिए, जो कुट्टू का आटा रहता है उसमें आप बॉयल जो आलू होते हैं, बॉयल पोटैटो, तो वो लेंगे, वो मैश करके कुट्टू के आटे में अच्छे से मिला लेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा मक्की की रोटी बनाते हैं पानी का हाथ लगा के, इस तरीके से मक्की की रोटी आपने बनाते हुए देखा होगा, इस तरीके से अगर बना सकते हैं तो सबसे अच्छा है। इस तरीके से नहीं बना सकते तो आराम से आटा लगा के जैसे उसको बेलते हैं उस तरीके से आप बनाइए। कुट्टू की रोटी में आलू को मैश करना है, जो बॉयल आलू होते हैं उसका आटा आपको बनाना है, उसकी रोटी बनानी है, जैसे भी आप बना सकते हैं पतली पतली रोटी, 2 बनानी है। और सब्जी किस चीज़ की लेनी है, सब्जी अब मेन रहेगी यहाँ पे, सेंधा नमक की जो सब्जी है आपको लौकी की सब्जी बनानी है, आलू बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, और कुट्टू के आटे में इसलिए आलू मिला है क्योंकि उसकी रोटी सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं करेंगी, बहुत से लोग कुट्टू खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो आलू उसमें अगर मिला के आप बनाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो अब सब्जी आप लौकी कैसे बनाएंगे, बहुत से लोगों को नहीं पता है लौकी की सब्जी, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। आप 1/2 चम्मच घी लेंगे, उसमें जीरा आप डाल के भून लेंगे, उसके बाद आप उसमें टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा आप जिंजर यानी कि आप अदरक डाल सकते हैं, थोड़ा सा ही डालना है, उसके बाद उसमें सेंधा नमक जितना भी अपने स्वाद अनुसार आप डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक ठाक डालेंगे, उसके बाद एक हरी मिर्च डाल देंगे, उसको अच्छे से भून लेंगे, भूनने के बाद लौकी जो आपकी कटी हुई है उसको डाल के उसमें 2-3 सीटी आप लगा देंगे, ये आपकी लौकी की सब्जी तैयार हो गई। अगर लौकी की सब्जी आप नहीं खाना चाहते तो पपाया, जो कच्चा पपीता होता है, उसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है और ऐसे ही आपको बनानी है, जैसे मैंने लौकी की सब्जी आपको बताई है ऐसे ही बनानी है। मैं बहुत खाती हूँ, मतलब लौकी की सब्जी, पपीते की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, टेस्ट में कमी नहीं आएगी, तो ये सब्जी आप बना सकते हैं। अगर ये भी नहीं आप लेना चाहते तो पनीर, थोड़ा सा पनीर आप लीजिए। आपको क्या करना है कि 1/2 चम्मच घी डालना है, उसमें थोड़ा जीरा डालना है, जिंजर डालना है, उसके साथ ही 2 टमाटर डालने हैं और 5-6 काजू डालनी है, इसको अच्छे से भूनना है, नमक भी साथ में रहेगा और हरी मिर्च भी, भून के उसको आपको ब्लेंड करना है, यानी मिक्सी में पीस लेना है इस मसाले को। अब जो ये पिसा हुआ आपका ये करी है, इसको अच्छे से भूनना है कढ़ाई में डाल के, दोबारा से घी नहीं डालना है, दोबारा से भूनना है। भूनने के बाद जब 2 मिनट तक भून जाए ये जो करी है आपकी, अच्छे से भून जाए, और करी अपने अनुसार पतली कर सकते हैं जितनी आपको पतली करनी है, और उसमें आप डालेंगे थोड़ा सा पनीर, 50 ग्राम, एक इंसान के लिए 50 ग्राम ही काफ़ी है। पनीर डाल के अच्छे से इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे, आपकी सब्जी तैयार होगी, और कुट्टू की जो 2 रोटी आपने बनाई है उसके साथ आप आराम से खा सकते हैं। रात में आप दही या लस्सी नहीं लेंगे, क्योंकि दही या लस्सी अच्छी नहीं होती रात में। अब ये हमारा रात का खाना हो गया, रात का मतलब शाम का हो गया, शाम के समय हम अपना खाना ख़त्म कर लेंगे, बहुत देर रात तक नहीं खाएंगे। अब आप कहेंगे कि 5 या 6 बजे हमने खाना खा लिया, फिर से आपको रात को भूख लगेगी,
रात को आपको क्या लेना है, रात की भूख को खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया चीज आपको बताने वाली हूँ, आपको एक गिलास दूध लेना है बिना मलाई का, ग्लास बहुत बड़ा ना हो, मतलब ठीक हो, नॉर्मल साइज का हो, एक ग्लास दूध लेना है, उसको अच्छे से उबाल देना है। उबालने के बाद जब वो दूध गर्म होता है उसमें दो खजूर डालने हैं, उसके साथ ही 10-12 आपको क्या डालने हैं, मखाने उस गर्म दूध में डालने हैं, मखाने डालने हैं, 8 से 10 किशमिश डालनी है। अब इसको ढक के रख देना है, इसमें चीनी ऐड नहीं करनी है। ढक के रखने के बाद थोड़ी देर वो जो चीज़ें हैं आपने डाली वो फूल जाएंगी, उसके बाद उसको अच्छे से मैश करके आपको सारी चीज़ें खानी हैं और दूध ऊपर से पी लेना है। इससे इतना अच्छा आपका पेट भर जाएगा, आपको बिल्कुल भूख फील नहीं होगी। दूसरी चीज़ें थकान कमजोरी ये सब बिल्कुल दूर होगी। मखाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं तो आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा। किशमिश है, किशमिश आपके जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कई बार मतलब ऐसा होता है कि भूख की वजह से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, वो चीज़ कम नहीं होने देगी, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देगी। तो खजूर के बारे में आप सबको पता ही है कि कमजोरी आपको बिल्कुल नहीं आने देते। खजूर एक ऐसी चीज़ है, अगर खजूर कोई इंसान खाता है तो कमजोरी का नामो निशान ही मिट जाता है। तो इस तरीके का आप दूध बना के पियेंगे। एक तो बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नमक खा रहे ये खा रहे हैं, वैसा भी नहीं होगा, कमजोरी नहीं होगी, बीमारियों से दूर रहेंगे, थकान तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप सुबह 8 से 10 बजे तक पूजा पाठ में भी लगे रहते तो थकान बिल्कुल नहीं होगी, भूख महसूस बिल्कुल नहीं होगी और इस तरीके से वेट लॉस बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्दी चीज़ें हैं। और बहुत ज़्यादा मैंने ये नहीं बताया कि भर भर के आप खा रहे हैं, लिमिट में खाना है तो वेट लॉस भी आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से डाइट प्लान अगर फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स मतलब हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही, मतलब ये नहीं है कि बहुत कम खा रहे हैं और मतलब थकान महसूस हो रही है, बीमारियां आ रही है, वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन वेट लॉस पक्का होगा अगर आप इस तरीके से मेंटेन करके खाते हैं। तो ये चीज़ आप करिए। और भी अगर आपकी कहीं प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड दाग धब्बे मतलब हो रहे हैं, मुंह के ऊपर पिंपल्स हो रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे फास्ट रखते हैं कुछ लोगों के और ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।